प्रतापगढ़ से युवा आया स्कॉर्पियो गाड़ी बेचने, गाड़ी चलाकर चेक करने के नाम पर गाड़ी लेकर भागा युवक पुलिस जांच में जुटी। मंदसौर कुतवाली थाना क्षेत्र के 10 नंबर नाके के यहाँ पर एक युवक द्वारा अपनी फोर व्हीलर गाड़ी को बेचने के लिए मंदसौर के 10 नंबर नाके पर आया था, पर आलोट से दलाल के माध्यम से एक व्यक्ति द्वारा गाड़ी खरीदने के लिए मंदसौर आया और 10 नंबर नाके पर गाड़ी चेक करने के लिए कुछ दूरी तक चलाने को कहा, जिसके बाद एक युवक को गाड़ी में बिठाया और MIT चौराहे के यहाँ से मारपीट कर गाड़ी से नीचे फेंक दिया एवं गाड़ी लेकर भाग गया है। ऐसा आरोप गाड़ी मालिक द्वारा लगाया गया है और कहा कोतवाली पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखा रही है, पर कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी द्वारा बताया गया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है एवं गाड़ी नंबर को भी सभी दूर बता दिया गया है। गाड़ी में बैठा युवक का कहना है कि मेरे साथ मारपीट की गई है और गाड़ी लेकर भाग गया है। प्रतापगढ़ से युवक स्कॉर्पियो गाड़ी को बेचने के लिए मंदसौर के 10 नंबर नाके पर आया था एवं गाड़ी चलाकर चेक करने के नाम पर गाड़ी लेकर भाग गया है। कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी द्वारा 3:40 पर मीडिया से चर्चा करते हुए बताया गया है। जिला प्रतापगढ़ गांव ओलेश्वर में रहता हूँ मैं। मैं गाड़ी दिखाने आया था स्कॉर्पियो MUG 2014 मॉडल 10 नंबर नाके पर। तो मेरा क्या है कि किसी दलाल ने पार्टी भेजी थी, तो उसको मैंने गाड़ी दिखाई। गाड़ी दिखाने के बाद उसने क्या करा, टेस्ट ड्राइव लेने के चक्कर में, हमारा एक बंदा बैठा हुआ था गाड़ी में, टेस्ट ड्राइव लेने के चक्कर में वो क्या है कि गाड़ी इनको लात मार के नीचे गिरा दिया। उन्हें गाड़ी लेके भग गया, गाड़ी लेके भगा। तो फिर हमने इन्फॉर्मेशन की थाने में, यहाँ आए TI साहब से मिले। TI साहब ने कहा कि चलो मैं करता हूँ, मॉर्निंग को आना आप। तो हम मॉर्निंग को आए, यहाँ आए तो हमने कहा कि हमारी FIR लिख लो, हमें FIR की कॉपी दे दो। तो क्या लाइट बंद है, तो हमने कहा वो वास्तविक में लाइट बंद है, कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बाद हम लाइट चालू होने के बाद वापस आए, वापस आने के बाद हमने कहा तो कि TI साहब को आने दो, फिर FIR बनाएंगे, FIR की कॉपी फिर देंगे। तो मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरे को FIR की कॉपी मिल जाए ना तो मैं आगे कुछ करूँ। क्या रिपोर्ट नहीं लिख रहा है? रिपोर्ट नहीं लिख रहा है, FIR नहीं लिख रहा है। आप क्या चाहते हैं आप लोग? मैं ये चाहता हूँ मेरे को FIR लिख दर्ज करो मेरी और मुझे उसकी कॉपी दो। क्या लगता है आपकी गाड़ी को कोई लेके गया है कि मतलब क्या है? नहीं, मेरे को लग रहा है सर, मेरे को मैं डाउट पुलिस से ही हूँ ना सर, हमसे लेके गए गाड़ी, तो हमें लगता है कि चोरी की मुकदमा है। अब कल से कुछ भी हो उस गाड़ी में तो उसका जिम्मेदार कौन सर? FIR की कॉपी मिले तो अपन कुछ कर सके, यहाँ भटकने से क्या हो रहा है सर? क्या नाम आपका? जसवंत शर्मा। सर टेस्ट ड्राइव के बहाने वो गाड़ी लेके गए और MIT के यहाँ से टर्न लिया उन्होंने, उसके बाद आगे गए तो मैंने कहा कि आगे डिवाइडर बहुत दूर है, कट बहुत दूर है, तो आप गाड़ी यहीं से घुमा लो। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी में कुछ आवाज़ आ रही है, ऐसा करके गाड़ी रोकी और उसके बाद उन्होंने हाथापाई की मेरे साथ में और मेरे को नीचे डाल दिया उन्होंने, वो गाड़ी लेके वो भग गए। गाड़ी सब बेचने के लिए लेके आए थे और दलाल के थ्रू वो बंदे आए थे, हमारे पास उनकी कोई पहचान ID वगैरह कुछ भी नहीं है सर। और उसके बाद गिरने के बाद मुझे पता चला कि उनके साथ में दो बंदे और थे जिनके पास में बिना नंबर की पल्सर बाइक थी दो, वो तुरंत निकले, मेरे सामने ही निकले और उन्होंने आगे पीछे गाड़ी लगा दी स्कॉर्पियो के पीछे। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सर, चोरी हुई है पूरी गाड़ी, ले गए वो सर। उसके बाद में सर अब 24 घंटे से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब हमको डर इसी चीज़ का है कि उस गाड़ी में कल से कुछ गलत हो जाए तो हमारे ऊपर आएगा सारी चीज़ें, और हमारी अभी तक FIR नहीं। कौन सा दलाल जिसके माध्यम से आया था? दलाल सर आलोट के पास का था और उसके नीचे फिर दलाल लगा हुआ था। नाम क्या आपका? रोहित सिंह नाम मेरा। अवलेश्वर के एक जसवंत शर्मा आए थे, जिन्होंने बताया था कि किसी दलाल ने किसी ग्राहक को गाड़ी दिखाने के लिए बोला था और वो जो ग्राहक है उनकी गाड़ी लेकर के चला गया है तो लौटा नहीं है, उसके संबंध में उनसे कहा गया था। वो हमने हालांकि नंबर तो फ्लैश करवा दिया है, वो अब थोड़ी देर से उपस्थित होंगे, घर में शायद चर्चा करने गए हैं, वो जैसे ही आते हैं जो भी कार्रवाई वैधानिक होगी वो करवा देंगे।